हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज एक और नए वीडियो में, जहां हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की किताब से थार, भारत का मरुस्थल के विषय में। तो ये पाठ 5 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे भारत में जो मरुस्थल हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं। अनु और तनु नदियों और पहाड़ों के बारे में जानने के लिए पिताजी से पूछने लगी। पिताजी, क्या वर्षा हर जगह एक जैसी होती है? क्या कोई स्थान ऐसा भी है जहां वर्षा बहुत कम होती है? पिताजी ने बताया कि भारत के कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है, जैसे उत्तरी मैदानों के पश्चिम भाग में, जिसे थार मरुस्थल कहते हैं। यह मुख्य रूप राजस्थान राज्य में अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है। यहाँ पूरे साल वर्षा बहुत कम होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम। कभी कभी बिल्कुल वर्षा नहीं होती। वर्षा कम होने के कारण दूर दूर तक केवल रेत के बड़े बड़े टीले ही दिखाई देते हैं। पानी की कमी के कारण यहाँ वनस्पति नहीं होती या बहुत कम होती है, इसलिए यह क्षेत्र मरुस्थल कहलाता है। आइए अब इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानें। थार मरुस्थल का नाम सिंध प्रदेश में थारपाकर नामक जिले के नाम पर पड़ा है। थार का अर्थ है मरुस्थल और पाकर का अर्थ है दूसरी ओर। इन्हें भी जानिए। मरुस्थल ऐसा क्षेत्र है जहां वर्षा व वनस्पति दोनों ही बहुत कम होती हैं। कुछ मरुस्थल गर्म एवं रेतीले होते हैं जैसे थार। कुछ मरुस्थल ठंडे एवं चट्टानी होते हैं जैसे गोबी मरुस्थल, लेह लद्दाख मरुस्थल। स्थिति, आप यह तो जान ही गए होंगे कि मरुस्थल का अधिकतर भाग राजस्थान राज्य में स्थित है, लेकिन क्यों? तुमने सुना होगा कि जब मानसून पवनों के मार्ग में कोई पहाड़ या पर्वत आ जाता है तो पवनें आगे न चलकर पहाड़ों के साथ ऊपर उठती जाती हैं और ठंडी होकर वर्षा करती हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ अरावली पर्वत मानसूनी पवनों के समानांतर, अब हम यहाँ जानेंगे, वे पवनें जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं वे मानसून पवनें कहलाती हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था समानांतर दिशा में है, इस कारण यह वर्षा करने में मदद नहीं कर पाता। वर्षा की कमी के कारण यहाँ मरुस्थल बन गया है। जलवायु अगर हम देखें तो जलवायु वर्षा की कमी व रेत होने के कारण यहाँ जलवायु में बहुत विभिन्नता देखी जाती है। दिन में सूर्य की गर्मी के कारण रेत जल्दी गर्म हो जाती है और रात में जल्द ठंडी, इसलिए दिन गर्म हो या रातें ठंडी होती हैं। थार मरुस्थल के कुछ हिस्से तो पथरीले हैं और बाकी हिस्सों में खूब रेत है। यहाँ रेत तेज हवा के साथ उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसमें इन टीलों की स्थिति बदलती रहती है और गर्मियों में यहाँ लू चलती है। लू तेज गति से चलने वाली गर्म व शुष्क हवाएँ हैं। यह दोपहर से शाम और कभी कभी और भी देर तक चलती हैं। कुछ करने को यदि हम देखें तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में समुद्र के पास स्थित कुछ प्रदेशों का गर्मियों व सर्दियों का तापमान समाचारों द्वारा ज्ञात करो व अंतर पता लगाइए। वनस्पति यदि हम देखें तो मरुस्थल में पानी की कमी के कारण घने जंगल नहीं उग सकते। कहीं कहीं झाड़ियां और कटीले पेड़ व घास उगते हैं। कटीले पेड़ जैसे कीकर, कैक्टस के पेड़, बबूल तथा खजूर यहाँ की प्रमुख वनस्पति है। बारिश के मौसम में यहाँ छोटी छोटी घासें उगाती हैं। मरुधानों के आसपास लोग पानी व उपजाऊ भूमि के कारण निवास करते हैं। यहाँ अधिकतर वही पेड़ पौधे मिलते हैं जिन्हें बहुत कम पानी की जरूरत होती है। मरुधान क्या होते हैं? मरुधान ओएसिस, बंजर भूमि या रेगिस्तान में पाए जाने वाले वो स्थान जहाँ पानी मिलता है। इन्हें भी जानिए। भेड़ बकरियाँ व गायों को चराने वाले लोगों को गडरिया कहा जाता है। पशुपालन की यदि बात करें तो पशुपालन रेगिस्तान में थोड़ी बारिश से घास उग आती है, इसलिए यहाँ के लोग पशु भी पालते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट व कई किस्म के बैल पाले जाते हैं। भेड़ों से गडरियों को पीने के लिए दूध और खेतों के लिए खाद के अलावा ऊन भी मिलती है। इन्हें भी जानिए में हम जानते हैं। थार की घुमक्कड़ जातियों में से एक कालबेलिया जाती है। इससे अधिकतर पुरुष सांप का तमाशा दिखाते हैं। वहाँ की अधिकतर महिलाएं काले रंग का घाघरा कुर्ती पहनती हैं। उन पर चमकीले सितारे गोटे टके होते हैं। वे जिस तरह बीन की धुन पर नाचती हैं ऐसे लगता है नाग लहरा रहा हो। भेड़ बकरियों व गायों को चराने वाले लोगों को गडरिया कहा जाता है। आगे जानते हैं। अक्टूबर के बाद गडरिया अपना डेरा ऊँटों पर लाद कर
चारे की तलाश में दूर दूर तक हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश निकल जाते हैं। ऊंट यहाँ का प्रमुख पशु है क्योंकि ऊंट रेत के मैदान से दूसरे जानवरों की तुलना में आसानी से चल सकता है। ऊंट कई दिनों तक पानी पिए बगैर ही रह सकता है। रेगिस्तान में ऊंट यातायात का मुख्य साधन है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इसका प्रयोग हल चलाने में, गाड़ी खींचने के लिए होता है। ऊंट की ऊन रंग बिरंगे पट्टू कंबल बनाए जाते हैं। ऊंटनी का दूध पिया जाता है। यहाँ आप देखेंगे कालबेलिया का नृत्य और यहाँ आप देखेंगे रेगिस्तान में ऊँटों पर सवार लोग। प्रमुख फसलों की यदि बात करें तो मरुस्थल में बारिश के मौसम में खेती की जाती है, इसलिए अधिकतर फसलें जून जुलाई के महीने में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं, जिसमें बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंगफली, मोठ नाम की दाल व तिल आदि मुख्य खरीफ की फसल हैं। कम पानी में ये फसलें आसानी से उग जाती हैं। राजस्थानी खाने में बाजरे का मुख्य स्थान है। यहाँ की दाल बाटी, बाजरे की रोटी व खिचड़ी बहुत प्रसिद्ध है। पेड़ों व झाड़ियों में लगने वाले फलों को सुखाकर साल भर खाया जाता है। अब धीरे धीरे सिंचाई की सुविधाएं होने के कारण साल में दो या तीन फसलें बोई जाने लगी हैं तथा गेहूं व सरसों भी उगाई जाने लगी है। पानी कहाँ से मिलता है? तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसे में लोग कैसे रहते हैं, उन्हें पानी कहाँ से मिलता है। पानी के लिए यहाँ कुएं हैं जिनमें पानी काफ़ी गहराई में मिलता है। कई जगह पर पानी खारा होता है। जहाँ जहाँ मीठे पानी का कुआं होता है वहाँ लोग दूर दूर से आकर पानी भरते हैं। महिलाओं को पीने का पानी लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। सिर पर एक साथ कई घड़े रखकर उन्हें अपने घरेलू कार्यों के लिए पानी दूर दूर से लाना पड़ता है। उनका काफ़ी समय इसी में निकल जाता है। रेगिस्तान के लोग पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल करते हैं। बरसात में बरसने वाले पानी को वे व्यर्थ नहीं जाने देते। वे अपने आंगन की ज़मीन के नीचे टपक्की टंकी बनाकर उसमें बरसात का पानी जमा करते हैं। इस पानी को थोड़ा थोड़ा साल भर खर्च करते हैं। गांव के निचले ज़मीन का तालाब बनाकर भी पानी इकट्ठा करते हैं, इसमें जानवर पानी पीते हैं। राजस्थान में पारंपरिक तौर पर क्षेत्र को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पालर पानी मिलता है या जो वर्षा से मिलने वाला जल है, जहाँ दूसरी ओर वाकर पानी मिलता है जो ज़मीन से मिलने वाला है। दोनों में अलग अलग तरह की फसल उगाई जाती है। राजस्थान में शुरू सुंदर चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जैसे पानी का बर्तन, कुओं के चबूतरे, पानी जमा करने की होद, उनके ढक्कन, सब की खूब सजावट की जाती है। थार के समाज में पानी की हर बूंद का सदुपयोग किया जाता है, इसलिए वहाँ के पानी का इस्तेमाल के बारे में आम जीवन में कहानियाँ, कहावतें व मुहावरे मिले हैं। उदाहरण के रूप में वहाँ एक कहावत है, घर में मेहमान आए तो मलाईदार दूध दो और विशेष मेहमान हो तो एक गिलास पानी दो, मेहमान इससे ज़्यादा मांगे तो दूसरा गिलास दूध का दो। यानी पानी दूध से ज़्यादा कीमती है। लोक व्यवहार में भी ऐसा माना जाता है कि पानी की हर बूंद का उपयोग किया जाए। जैसलमेर में आज के लोग लकड़ी की चौकी पर बैठकर नहाते हैं, उसके नीचे एक बर्तन रहता है, नहाने से गिरा पानी उसमें जमा होता है जो जानवरों के काम आ जाता है। 1980 के दशक में राजस्थान नहर बनने से यहाँ के लोगों को पानी व सिंचाई के लिए जल आसानी से उपलब्ध होने लगा है। मानचित्र में इस नहर की स्थिति को ध्यान से देखो। यह नहर पंजाब के हरिके बांध से निकलती है और राजस्थान के थार मरुस्थल में बहती है। इसे अब इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। वह भारत की सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। आप ये देख पाएंगे भारत का नक्शा, ये थार डेजर्ट है आपका और इसकी सीमाएं जो आप देखेंगे ये पाकिस्तान से लगती हुई है। ये आपकी इंदिरा गांधी कैनाल है, राजस्थान नहर का नाम जिसे दिया जाता है। सिंचाई की सुविधा मिलने के कारण राजस्थान में गेहूं की फसल उगाई जाने लगी है। यहाँ साल में एक नहीं दो बार फसल उगाई जाती है। आप नीचे देखेंगे कुछ प्रश्न, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है, तो हम कहेंगे राजस्थान में। थार मरुस्थल का मुख्य पशु कौन सा है, ऊंट। राजस्थान नहर भारत के किस राज्य से निकलती है, तो ये आप बताएंगे। आपने अभी सवाल करा है और इसी तरीके से आप ये खालिस्तान भी भरेंगे।